केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह सांबादिक सम्मेलन प्रसंग उपर नजर पकेबा। पूरी न्याय प्रणाली का आपराधिक कानूनों की पूर्णतया इसके अंदर हम कह सकते अब भारतीय आत्मा है। इसके ढेर सारे प्रावधान ऐसे किए गए हैं जिससे कई समूहों को फायदा होगा। कई सारी दफाएं जो अंग्रेजों के समय से विवाद में रही इसको हटाकर आज के समय के अनुकूल धाराएं जोड़ी गई है और कई सारी ऐसी चीजें जिससे भारतीय नागरिकों को परेशानी थी इसको हटाकर नए प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले हमने इसमें हमारे संविधान के स्पिरिट के तहत दफाओं की और चैप्टर्स की प्रायोरिटी तय की है। सबसे पहली प्रायोरिटी महिलाओं और बच्चों के अपराध को दी गई है और मैं मानता हूं कि ये करने की बहुत समय से पहले जरूरत थी। एक पूरा अध्याय इसमें जोड़ा गया है जिसमें 35 धाराएं हैं और 13 प्रावधान हैं जिसमें गैंग रेप के लिए अब 20 साल की सजा या तो कारावास आजीवन कारावास, नाबालिग के साथ बलात्कार में मौत की सजा, झूठा वादा पहचान छिपाकर शोषण करने वालों के लिए भी अलग से अपराध बनाया गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से चलता था। पीड़िता का बयान उसके घर पर महिला अधिकारियों की उपस्थिति में और अपने परिजनों की उपस्थिति में लेने का भी प्रावधान किया है और इसके साथ साथ ऑनलाइन एफआईआर की व्यवस्था से भी ढेर सारी उत्पीड़न का सामना कर रही महिला एम्बरेसमेंट से बच पाएगी ऐसा हमारा मानना है। सालों से देश भर में मॉब लिंचिंग के अपराध के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं था। प्रावधान करने की मांग होती थी। पहली बार मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है। नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा और अन्य कारणों से जो मॉब लिंचिंग होता है इसमें 7 वर्ष के कारावास से लेकर मृत्यु की सजा और आजीवन कारावास तक इसके अंदर जोड़ा गया है। तो एक बहुत बड़े समय से जो मांग थी वो पूरी होने जा रही है। रात दो एक ऐसा कानून था जो अंग्रेजों ने अपने शासन की रक्षा के लिए बनाया, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे तिलक महाराज हो, चाहे सरदार पटेल हो, सभी लोग यही कानून के तहत 6-6 साल की सजा काटे थे। इसी कानून के तहत केसरी पर प्रतिबंध लगाया गया था। वो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने बनाया हुआ कानून था। राजद्रोह को हमने जड़ से समाप्त कर दिया है और देश विरोधी हरकतों के लिए नई धारा लेकर आए हैं। पहले सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट देना गुनाह था, अब भारत की एकता और अखंडता को क्षतिग्रस्त करने के लिए ये कानून अमल में आएगा। तो आजादी के इतने सालों के बाद ये कानून में बदलाव हुआ है जो एक बहुत बड़ा परिचायक है हमारे संविधान के स्पिरिट का। मैं आप सभी के सामने बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि ये तीनों कानूनों के पूर्ण स्पिरिट के साथ देश भर में लागू होने के बाद ये कानून सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली का सर्जन करेंगे। टेक्नोलॉजी को हमने न केवल अपनाया है, आने वाले 50 सालों तक टेक्नोलॉजी में जो भी अनुसंधान होने की संभावनाएं हैं इस सबको कानून के अंदर हमने व्याख्या के तौर पर समाहित किया है, जैसे आने वाले समय में भी जो अनुसंधान होंगे वो व्याख्यायित किए गए। ये विश्व की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली बनेगी इसका मुझे विश्वास है। कंप्यूटराइजेशन की प्रक्रिया ऑलरेडी पूरी हो गई है। 99.9% थाने कंप्यूटराइज हो चुके हैं। ई रिकॉर्ड जनरेट करने की प्रक्रिया भी हमने 2019 से ही चालू कर दी थी। 0 FIR, EFIR, चार्जशीट और जवाब ये सभी डिजिटल होगा। किसी को बड़े बड़े
जेरोक्स निकालकर करने की जरूरत नहीं है। 1 लाख पेज की चार्जशीट भी एक छोटे से पेन ड्राइव से जजिस के सामने जाएगी और पक्षकर्ताओं को दिए जाएगी। 90 दिन के अंदर इस कानून में पीड़ित को, जिन्होंने न्याय की गुहार की है, उनको अपने केस का प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली ऑनलाइन भेजा जाएगा। हमने इसके अंदर 7 साल और उससे ज्यादा सजा वाले सभी गुना में फॉरेंसिक की टीम की विजिट को कंपलसरी कर फॉरेंसिक एविडेंस को कानूनी जामा पहनाने का काम किया है। मैं मानता हूं कि इससे बहुत फायदा होगा, दोष सिद्धि का प्रमाण हम बहुत आगे तक ले जा पाएंगे। साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग और जांच पड़ताल में रिकॉर्डिंग की अनुमति दी है, वीडियोग्राफी को सर्च और सीजर के वक्त पर अनिवार्य किया है जिससे किसी को फंसाने की कोई साजिश न हो पाए। ई बयान बलात्कार की पीड़िता का या छेड़खानी की पीड़िता का ई बयान को भी कानूनी माना गया है और कोर्ट में ऑडियो वीडियो के माध्यम से पेशी करने का भी प्रावधान हमने किया है। ई पेशी में गवाह, आरोपी, विशेषज्ञ और पीड़ित सभी को कानूनी जामा पहनाने का काम किया है। इसमें जो फॉरेंसिक विजिट को अनिवार्य बनाया गया है, इसको हमने दूरदर्शिता पूर्वक काम कर नेशनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी 2020 में बनाकर इसके लिए ट्रेन मैन पावर का सर्जन का काम ऑलरेडी कर चुके हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि 3 साल के बाद इस देश में हर साल 40,000 से ज्यादा ट्रेन मैन पावर का फोर्स हमारी कानूनी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की सेवा में उपलब्ध होगा। कमीशन का रेशियो इसके माध्यम से 90% तक ले जाने का हमने प्रावधान किया है और फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए अभी अभी हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया है और 9 राज्यों में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कैंपस खोले जाएंगे और 6 सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरीज को भी हमने करा है। ये कानून विक्टिम सेंट्रिक, पहले दिनों तक किसी को पुलिस ले जाती थी, परिवार वालों को कोर्ट में आना पड़ता था। अब हमने कंपलसरी किया है कि हर थाने में रजिस्टर होगा और ई रजिस्टर भी होगा कि कौन सा अपराधी पुलिस की कस्टडी में है, जिसे हेबियस के माध्यम से कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। जदि आपन को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।